दोस्तों नमस्कार। आज यहाँ पे स्लैब कंक्रीटिंग का काम चल रहा है, जो कि आप देख सकते हो। एक्चुअली वो रोटरी का हिस्सा है और ये P81 से कनेक्टिंग स्लैब है जो कि रोटरी को कनेक्ट करती है, तो उसका आज कंक्रीट का काम अभी जस्ट शुरू हुआ है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, ये जिस मशीन से कंक्रीट हो रही है, एक्चुअली इसे बूम क्लेशर बोलते हैं, और उसके पीछे में ट्रांजिट मिक्सर लगी रहती है, जिसे TM बोलते हैं, शॉर्ट में TM बोलते हैं, ट्रांजिट मिक्सचर। तो ट्रांजिट मिक्सचर से कंक्रीट हॉपर में आता है, जो कि आपको दिख रहा होगा। ट्रांजिट मिक्सचर से कंक्रीट जो है हॉपर में आ रहा है, और इसके थ्रू जो है, और वो हॉपर से ये जो आप ऊपर आपको जो रेड कलर की दिख रही है, इसमें आपको पाइप वगैरह दिख रहे होंगे, पाइप वगैरह, इसके थ्रू कंक्रीट वहाँ तक जाती है, जो कि आपको जो कुछ लोग हैं, मतलब अपने डेस्टिनेशन तक इस बूम के द्वारा वहाँ पहुँचा जाता है। अब आपको मैं ले चल के देख दिखाता हूँ, जहाँ पर ये कंक्रीट एक्चुअली गिराया जा रहा है, कंक्रीट का काम जहाँ पर चल रहा है। ये जो स्लैब है, ये रोटरी को P81 से कनेक्ट करता है, और ये आपको आगे गोरखपुर के तरफ जाती है, छोटी लाइन के तरफ। देखिए ये हमारे स्टाफ लोग हैं, ये देखिए ये मशीन है, इनके हाथ में रिमोट है, इसके द्वारा ही ये हमारे ऑपरेटर हैं, और देखिए इसी से ये पूरा कंट्रोल होता है। ये हमारे फोरमैन देखो, दाढ़ी वाले, ये हमारे इंजीनियर साहब हैं, इन्हीं के देख रेख में ये सारा काम हो रहा है। और ये देखिए कंक्रीटिंग का काम शुरू है, और वाइब्रेटिंग मशीन बीच में आपको एक वाइब्रेटिंग मशीन दिख रहा होगा, है जब ये कंक्रीट डल कंक्रीट के समय में वाइब्रेटिंग मशीन चलाना पड़ता है, वो साथ में देखिए वो चल भी रहा है उस लड़के के हाथ में, और जो आपको उस पाइप के साथ में जो लड़का दिख रहा है ना, वो वाइब्रेटिंग मशीन साथ में चला रहे हैं, जिससे कि अच्छे से कॉम्पैक्शन हो सके। तो ये रोटरी के कनेक्टिंग वाला जो स्लैब है, उस स्लैब का आज कंक्रीट हो रहा है। ये दिखाने का मकसद है कि आप लोग भी देख सकते हो कि किस तरह से कंस्ट्रक्शन में काम होता है, कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम होता है, कौन कौन सी मशीनें यूज़ होती है, तो आपको दिख रहे होंगे।